Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. to aap logo ke mere paas bahut sare comments aa rahe the related to Air Force School vacancy and result. Uh, तो I know, I hope चाहे आप Air Force you know कि it is present all over India. तो आप लोगों ने Air Force School के चाहे किसी भी जगह से आपने रिटर्न uh, एग्जाम दिया है या कहीं वहां पे आप लोगों ने uh, अपना इंटरव्यू दिया है और आप लोग अगर वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के रिजल्ट का क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े उसमें लिखा था कि एक महीना हो गया है कोई रिजल्ट नहीं आया पी आर टी का टी जी टी का सो so, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जब एयर फोर्स का आप लोगों का हुआ होगा वहाँ पे सिलेक्शन फॉर द रिटर्न टेस्ट तो उन लोगों ने वेबसाइट पे लिस्ट अपलोड की होगी फॉर दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द रिटर्न टेस्ट उसके बाद जब रिटन आप लोगों का रिटर्न क्लियर हुआ होगा तो आप लोगों को लगा आप लोगों ने इवन देखा होगा कि वेबसाइट पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ, लगी है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों की लिस्ट आएगी तो आई आए होप कि आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि हमारा जो बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं ता, ताकि उनकी लिस्ट भी वेबसाइट पे आ जाए आई नो आप लोग सारे वेबसाइट बार बार चेक कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को कहीं रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं जो एफ ओर स्कूल का रिजल्ट होता है इंटरव्यू वाला वो कभी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता है इसका मतलब जो फाइनल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है कभी भी वो वेबसाइट पर नहीं डालते हैं इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों नहीं डालते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था आज से तीन साल पहले जब मैंने टी जी केमिस्ट्री का क्लियर किया था वहाँ पे सो so, uh, मैं भी बहुत दिन से परेशान हुई थी यू एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल मैं वहाँ पे कॉल कर कर के हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं कॉल करती रहती थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था वहाँ पे तो मुझे लगा था डेफ़िनेटली uh, वहाँ पे रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी पर एक्चुअली मैं जब मैं बार बार कॉल करती गई उन्होंने पहले तो शुरुआत में उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट नहीं आया है अभी लिस्ट आएगी लिस्ट आएगी बट फाइनली जब पंद्रह बीस दिन हो गए थे जब कुछ भी नहीं आया तब जाके एडमिन डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उन लोगों को कॉल कर दिया गया है तब मुझे क्लियर हुआ इस चीज़ से कि मैंने कहा वेबसाइट पे कोई भी लिस्ट नहीं आएगी तो यस उन्होंने बोला नहीं वेबसाइट पे लिस्ट नहीं आएगी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन लोगों को कॉल चला गया होगा तो अगर आप लोग भी ए एफ स्कूल के इंटरव्यू का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप लोग भी वहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि 99 नाइन परसेंटेज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को कॉल आ गई है तो नहीं आने वाली है कॉल जिसको कॉल आनी थी वो आ गई है क्योंकि ऑलरेडी आज तेईस तारीख हो गई है तो फर्स्ट अप्रैल से तो उन लोगों को ज्वाइनिंग देनी है और अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब मैं इतनी प्रिपेयर हो गई ठीक है मेरा नहीं हुआ उसके बाद दस या पंद्रह दिन के बाद दे आर कॉलिंग मी और फिर कह रहे हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आप जॉइन कर सकते हो देन आई सेड कि मैंने तो आप लोगों को कॉल करके पूछा था पर आपने बोला था कि नहीं आप सिलेक्ट नहीं है उसके बाद वो मुझे सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं एंड देन मैंने परमानेंट पोस्ट का क्लियर किया था वहाँ पे एग्जाम एंड देवर से आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए ज्वाइन कर लो तो आई सेड नो मैंने कहा नहीं मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पर ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने परमानेंट पोस्ट का क्लियर किया है उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद इवन प्रिंसिपल की मेरे पास मेल भी आई प्रिंसिपल की उससे बट मैंने मैम को साफ लिख के भेजा रिप्लाई में कि मैम अगर कोई भी फ्यूचर में परमानेंट पोस्ट होगी तब आप मुझे इंटीमेट कीजिएगा मैं हमेशा मैं परमानेंट पर ज्वाइन करूँगी क्योंकि मैंने परमानेंट पोस्ट का एग्जाम क्लियर किया है मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पर ज्वाइन नहीं करूँगी सो so, आप लोगों को मैं यही बोलूँगी आप लोग बेटर टू कॉल एंड इन स्कूल अगर आप लोगों को एक महीने से ज़्यादा हो गया है तो आई थिंक रिजल्ट आ चुका है आप लोग कॉल करके कन्फर्म कर लीजिए ताकि आप लोग कोई झूठे वह में झूठी उम्मीद में ना रहे और अपनी आ, आगे दूसरे नए नए स्कूल्स में आप कोशिश करें थैंक यू एवरी वन है नाइस डे